आज हम बात कर रहे हैं हठ योग के एक महत्वपूर्ण अभ्यास के विषय में। इसको ठीक प्रकार से समझ लेना अनिवार्य है, क्योंकि हठ योग के अंतर्गत कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनको अगर ठीक से ना किया जाए तो उनसे कुछ कम लाभ प्राप्त हो जाते हैं लेकिन उनसे हानि नहीं होती। लेकिन कपालभाति अगर इसको ठीक से ना समझा जाए, इसकी अवधि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इसका सही तरीका क्या है, क्या गलतियां होती हैं, इनको अगर ना समझा जाए तो बड़ी हानि भी इससे हो सकती है। इसको हम आज पूर्ण विस्तार से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि बंधुओं के साथ कपालभाति का कैसे प्रयोग करने का विधान है। आप ये भी समझ लें, ये प्रश्न हमें काफ़ी मिलता है कि ये प्राणायाम है या फिर ये एक क्रिया है। तो हठ योग के प्रमुख ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धोती वस्ती स्थता नेतिर लोल की त्राटक तथा कपाल भातिश्चोतानी षटकर्माणी समाचरित, कि जो ये षटकर्म के अभ्यास हैं धोती नेति नौली आदि, उनमें ही एक अभ्यास जो सम्मिलित किया गया है वो कपाल भाति का अभ्यास है। घेरंड संहिता के अंतर्गत कपाल भाति की तीन अलग अलग विधियां मिलती हैं जिनमें से वातकर्म व्युतक्रम और शीतक्रम कपाल भाति। लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अंतर्गत जो विधि बताई गई है वही विधि सामान्यतः प्रचलित है और उसके विषय में ही आज हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में जो इसके अलग तीन प्रकार बताए गए हैं घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड के द्वारा, उन पर भी मार्गदर्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्यों आवश्यक हो जाता है और इसका कार्य क्या होता है। तो कपाल भाति, क्योंकि इसके नाम से ही परिलक्षित होता है, कपाल हमारे जो कपाल का क्षेत्र होता है, भाति यानी कि उस पर चमक आती है और उसका शोधन होता है। और मात्र स्थूल स्तर पर ही नहीं, आप देखें अगर एक व्यक्ति निरंतर कपाल भाति का अभ्यास करता है तो उसके मस्तिष्क की क्षमताओं पर कोई बड़ी ही चिंता तनाव में ऐसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा घिरा रहता है, उसके लिए भी ये बड़ा सुंदर कार्य कर सकता है। व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक जो स्थितियाँ हैं उनका शोधन करके उसे एक मजबूत अवस्था में पहुंचाने वाला ये अभ्यास है। साथ ही साथ ये भी समझ लें कि ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। जो हम भोजन आज के समय में ग्रहण करते हैं, जो हम प्रदूषित वायु हमारे शरीर में निरंतर जाती रहती है, फैक्ट्रियां और इतना सारा ट्रैफिक इसकी वजह से, और शहरों में रहने वाले व्यक्ति विशेष रूप से प्रभावित हैं, तो आप समझ लें जो विषाक्तता शरीर में जाती है उसे बाहर निकालने का कार्य जो है ये कपाल भाति करता है। क्योंकि जो हमारे शरीर में निरंतर चलने वाली श्वसन की प्रक्रिया है यही डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा एक प्रोसेस है जो निरंतर शरीर में चलता रहता है। अगर विषाक्त वायु बाहर ना निकले और हमारे शरीर को शुद्ध वायु ना मिले तो कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाएंगी, थोड़ी ही देर में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन जो है आवश्यकता है शरीर की वो ये प्राण ही है, और इस प्राण के ऊपर कार्य करके ही कपाल भाति क्रिया के अंतर्गत हम अपने शरीर को साफ करते हैं। तो इसका अभ्यास विशेष उपयोगी हो जाता है और इसे प्राणायाम की तरह इसलिए भी आज के समय में देखा गया क्योंकि व्यक्ति के शरीर में विषाक्त तत्व गंदगी बहुत अधिक जमा होती गई और प्राणायाम के रूप में इसको प्रतिदिन करने का संकेत किया गया अभ्यासियों के द्वारा। अन्यथा षटकर्मों के अभ्यास प्रतिदिन करने के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी इसको प्रतिदिन किया जाता है तो वो आज की आवश्यकता के अनुरूप समझते हुए किया जाता है। इस अभ्यास से विशेष लाभ हमने जो कहा, आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपके मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ेगी, आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होगा, पाचन की किसी को समस्या है अच्छा होगा, जठराग्नि इससे प्रदीप्त होगी, जिसको कब्ज की समस्या रहती है उसके लिए भी अच्छा है, पूरे शरीर में रक्त का संचार अच्छा होगा जिसके कारण शरीर के सभी अंगों पर प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से इसके प्रभाव देखे गए हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि क्या क्या गलतियां होती हैं और किस तरीके से इनको ठीक करते हुए अभ्यास को करना है। हम इस विधि को अलग अलग खंडों में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके चेहरे की स्थितियां ठीक होनी चाहिए, नाशिका को सिकोड़कर अभ्यास नहीं करना है। हमने अनेक व्यक्तियों को देखा है कि जब सांस को वो बाहर छोड़ रहे होते हैं कपाल भाति में तो नाशिका को सिकोड़ते हैं, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि जब आवाज के साथ सांस बाहर जाएगा तो अभ्यास ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सहज सांस को बाहर छोड़ें, नाशिका सिकोड़नी नहीं है। कई बार देखने में आता है कि इस प्रकार से अभ्यास करते हैं तो जितनी बार ये होता है ये यहां से नाशिका को सिकोड़कर
अभ्यास करने का व्यक्ति प्रयत्न करता है तो ये गलत हो जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना होता है कि कंधे आपके आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। कंधे अगर आगे की तरफ हैं तो आपके जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंड होने के लिए सही से स्थान नहीं मिलता, और प्राणायाम में ये ध्यान रखना होता है कि कंधे हमेशा आपके पीछे की तरफ रहने चाहिए। कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है कि व्यक्ति जब ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा आदि बनाता है और हाथों को रखता है तो उनको इस तरीके से हाथों को रखता है, यानी कि हाथों को वो पूरा आगे खींच के घुटनों के ऊपर रख रहा है। इससे क्या हो रहा है, आप देखें कि यहाँ स्वाभाविक ही कंधे जो है हमारे आगे की तरफ हो चुके हैं, आगे की तरफ घूम चुके हैं, तो इनको पीछे की तरफ रखने के लिए आपको थोड़ा सा सहज रखना पड़ेगा अपने हाथों को। और जब आप हाथों की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, थोड़ा पीछे हाथों को लाएंगे, तो सहज देखेंगे कि कंधे अब आपके सामान्य स्थिति में हैं, इनको थोड़ा और पीछे करके रखें तो अब जब आप सांस की गति आपकी बनेगी, सांस की प्रक्रिया होगी, तो आपके लंग्स को एक्सपेंड होने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा। कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो ध्यान रखें हाथों को तान के नहीं, थोड़ा ढीला छोड़ के इस प्रकार से घुटनों के ऊपर रखना होता है। तो पहले बताया चेहरे का, दूसरा बताया कंधों का ध्यान रखना होगा, और तीसरी जो विशेष बात हो जाती है, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रियाएं प्राणायाम की होती हैं, आपकी कमर के ऊपर इनका बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि यहीं पर आपकी नाड़ियां हैं, यहीं पर आपके चक्र हैं, यहीं से ऊर्जा का गमन होता है और यहीं से आपका मस्तिष्क आपके शरीर से जुड़ता है। और प्राणायाम को मन पर नियंत्रण करने वाला एक अभ्यास कहा गया है, तो मन पर नियंत्रण के लिए भी शरीर की स्थिति का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के माध्यम से मन को नियंत्रित करना है। तो कैसे, कमर को बिल्कुल सीधा रखना, इस प्रकार से आप बैठे, थोड़ा सा कंधों को पीछे रखा, और जैसे कंधे पीछे रखेंगे तो थोड़ी कमर सीधी हो जाएगी, और कुछ प्रयास पूर्वक सीधी रखते हुए, सामने देखते हुए इस प्रकार से सहज बैठना है। तो कमर कभी भी मोड़ के अभ्यास आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए आसन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आसन भी जो व्यक्ति शुरुआती समय में कर रहा है और लंबा एक अभ्यास वो प्राणायाम का कर रहा है, तो आप ध्यान रखें कि कपालभाति क्रिया को जब वो कर रहे हैं तो भी वो एक ऐसी स्थिति बनाए जिसमें कि उनके शरीर का अधिकतर भाग मैट से उनके स्पर्श हो रहा हो। इसके लिए सर्वोत्तम जो आसन होता है वो है सिद्धासन। सिद्धासन के विषय में हमने पहले भी मार्गदर्शन किया है, आप वो मार्गदर्शन देख लें। बाएं पैर को पहले रखें, दाएं पैर को उसके ऊपर रखें, बाएं पैर की पिंडली जंघा के मध्य में अपने पैर को ले जाना है, और नीचे वाले पैर को पीछे वज्र नाड़ी से स्पर्श कराना है, और नीचे वाले इस पैर को भी ऊपर की तरफ खींचते हुए सिद्धासन की स्थिति में आ जाना है। तो सिद्धासन में बैठने के बाद आप अभ्यास करते हैं तो ये और उपयोगी और महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए जो प्रमुख है वो है कि जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तब हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, और जब हमारी सांस अंदर आ रही है तो स्वाभाविक हमारा पेट बाहर आना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। और जब सांस को बाहर छोड़ा जा रहा है तब उसको एक स्ट्रोक से, एक झटके के साथ, धक्के के साथ बाहर छोड़ना होता है। और जब सांस अंदर ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सांस अंदर लेते हुए कोई सजगता रखनी ही नहीं है, लेकिन उसमें कोई तेजी नहीं लानी है, उसको सहज ही अंदर जाने देना है। सहज अंदर जाने देने से अर्थ ऐसा नहीं है कि कई सेकंड्स लगा रहे हैं आप, यानी कि 10 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड में ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। स्ट्रोक जो एक बाहर गया, स्वाभाविक कुछ तीव्र गति से ही सांस अंदर जाएगा, लेकिन वो प्रयासपूर्वक नहीं, वो सहज होगा। एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा बना करके सिद्धासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, कंधे पीछे, और इस प्रकार का एक अभ्यास। कुछ समय तक ये अभ्यास करने के बाद सहज बीच में रुक के गहरी लंबी सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर आपको करना होता है। फिर से इसी प्रकार आपको ये अभ्यास करना होता है। अब अगर अभ्यास बहुत ज़्यादा समय तक किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है कि उसको पाचन की समस्याएं रहती हैं या फिर उसके पेट पर स्वेलिंग है, तो ऐसी स्थितियों में ये हानिकारक हो जाता है, उसकी पाचन की समस्या और
बढ़ सकती है। अगर स्वेलिंग नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, एसिड रहता है, ऐसी स्थितियों में इसका अभ्यास किया जा सकता है। और जिनकी नाभि खिसकी हुई होती है अपने स्थान से, वो भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। और कई बार हमने ये देखा है कि व्यक्ति 30 मिनट तक 40 मिनट तक कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि ये क्रिया है, ये प्राणायाम नहीं है, और इसका अभ्यास सीमित ही रहेगा वही अच्छा है। आज की आवश्यकता है तो रोज कर सकते हैं, लेकिन रोज के अभ्यास में सीमित अवधि, कितनी अवधि होनी चाहिए? एक बार में आपको 40 से 50 स्ट्रोक करने हैं, और ऐसे ऐसे आपको 3 चक्र करने हैं। इतना अगर आप करते हैं तो कपालभाति आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, गैस की, पेट की समस्याएं अधिक रहती हैं, चेहरा मुरझाया रहता है, नींद ठीक से नहीं आती है, मस्तिष्क में कुछ समस्या है, चिंता तनाव है, स्मृति अच्छी नहीं है, तो वो इसको थोड़ा सा विस्तारित करके 3 के स्थान पर 6 तक कर सकता है, 40 का एक बार में, और 6 बार इसको कर सकता है। तो इतना इसका पर्याप्त होगा, इससे अधिक विस्तारित इसको आप ना करें। अब एक और बात समझ लें कि इसमें और अधिक लाभ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे शरीर में प्राणवायु का स्तर अच्छा होता है, और लंग्स भी हमारे उस स्थिति में ज़्यादा एक्सपेंड होने की उनकी एक क्षमता बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कपालभाति के साथ बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक का अभ्यास किया जाता है तो वो भी उपयोगी हो जाता है। इसको आप समझ लें कि आपने कपालभाति किया, एक बार आपने जितनी बार आपने करना था वो कर लिया, और आप बीच में रुके, तो एक बार करने के और दूसरे चरण में जो आपको करना है उसके बीच का जो समय है, वहां पर आप अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक कर सकते हैं। शुरुआत आपको अंतः कुंभक से करनी है, यानी कि आप सहज बैठे और आपने कपालभाति प्राणायाम किया। कपालभाति करने के बाद आपने सांस को पूरा अंदर लिया और अंदर ही सांस को रोक लिया, जितनी देर रोक सकते हैं उतना रोका, सांस को धीरे से फिर आपने बाहर छोड़ दिया, फिर अब आपने 3, 4, 5 गहरी सांस ली और आप दूसरे चरण की तरफ बढ़े। फिर से आपने किया, फिर से वही, फिर से सांस को अंदर लिया, रोका जितनी देर रोक सकते हैं, सांस बाहर छोड़ा, 3, 4, 5, 10 गहरे लंबे सांस लिए और फिर से अगले चरण की तरफ बढ़े। तो ये इसका एक अभ्यास हो जाता है जो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है। अंतः कुंभक में परिपक्वता होने के बाद बाह्य कुंभक के साथ भी अभ्यास इसका आप कर सकते हैं। तो ये कुछ सजगताएं हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना होगा। साथ ही साथ मासिक धर्म में जिन भी महिलाओं को होते हैं, बहनों को होते हैं, उनको, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना होता। माइग्रेन किसी को है तो बहुत अधिक समय तक नहीं करना है। मिर्गी का जो दौरे पड़ते हैं जिन व्यक्तियों को, उनको नहीं करना है। किसी को अल्सर है पेट में, हर्निया है, या हर्निया की सर्जरी हुई है, या और भी कोई सर्जरी हुई है पेट की, नहीं करना होता है। अगर बैक पेन है किसी को, सीवियर बैक पेन है, तो उसको भी नहीं करना है, सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि उससे जब स्ट्रोक लगते हैं तो आपकी बैक पेन का जो ये समस्या है ये बढ़ सकती है। तो केवल इतना ध्यान रखना है, इन स्थितियों में नहीं करना है, अन्यथा सुरक्षित अभ्यास है, अवश्य कर सकते हैं, महत्वपूर्ण अभ्यास है, हितकर उपयोगी है। तो आप अपने अभ्यास में ये सारे संशोधन करते हुए, जहां गलतियां आपको लगती हैं उनको सुधारते हुए अभ्यास करेंगे तो कुछ ही समय में अच्छे लाभ होंगे, आप अनुभव कर सकेंगे। आज के लिए हमारा आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था, संकेत था, अपेक्षा है आपको ये ठीक प्रकार से समझ आया होगा। अगर आपको हठ योग से संबंधित और विस्तृत जानकारी या फिर आपके कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आप हठ योग से भी जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न रख सकते हैं। हम जितना संभव होगा समय के अनुरूप मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।